प्यारे विद्यार्थियों, यह युग निर्माण इंटर कॉलेज द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ये कक्षा नौ का मैथमेटिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को एक दिन और बताए थे, आज पुनः उसको रिवाइज कर देना चाहते हैं, क्योंकि बीच में गैप हो गया एक दिन, तो आज हम पुनः उसके रिवाइज कर देना चाहते हैं। किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लिखा जाएगा, उस दिन हमने बताया कि यन सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर्स का सेट। जैसे आप सेट क्या है, सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर द सेट। जैसे सेट है आप साधारण जीवन में आप ये पढ़ते हैं, जैसे आप शादी ब्याह में चलता है टी सेट चलता है, डाइनिंग सेट है। टी सेट क्या है, टी सेट में चाय बनाने वाला जो सामग्री या बांटने वाला, वो सब टी सेट में शामिल है। अगर हम टी सेट में ये कहें किसी वेल डिफाइंड क्या होता है कि हम ये पूछें, कोई पूछे कि अमुक वस्तु उसमें सेट में है कि नहीं है, तो उसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि वो है कि नहीं है, बीच में उत्तर नहीं होना चाहिए, उसका जवाब स्पष्ट यस और नो में होना चाहिए। यही मतलब है वेल डिफाइंड का। जैसे टी सेट में अगर ये पूछा जाए कि एक किताब है कि नहीं, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि टी सेट में किताब नहीं आएगा। यही वेल डिफाइंड का मतलब हो गया। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर आपको बताया गया है 1, 2, 3, इस तरह से ये नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद होल नंबर आ जाता है। होल नंबर इसको W लिखते हैं। जहाँ भी W लिखा हो वहाँ आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वो होल नंबर है। अब होल नंबर में 0 सम्मिलित हो जाता है, यह 0, 1, 2, 3 यहाँ से जहाँ जहाँ तक लिखें आप, ये सम्मिलित हो जाता है। W है होल नंबर। पुनः आता है जेड। जेड क्या होता है, जेड में निगेटिव और पॉजिटिव और 0 सब सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए यहाँ 1 से शुरू हुआ, उसके पीछे आया 0 हो गया, W से शुरू हुआ। ये जो भविष्य में जहाँ कहीं भी एक सेट यन लिखा हुआ हो या कोई पूछे तो आप यह बताइए कि यन मैंने 1, 2, 3, 4 इत्यादि। W अगर कहे कि W में कौन कौन एलिमेंट, कौन कौन नंबर होंगे, तो ये बताया गया 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट। जेड में अगर पूछे तो जेड में कहेंगे निगेटिव इंटीजर, ये 0 का चिन्ह न निगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे यहाँ हम ये लिख दे रहे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे यहाँ पर कर देंगे। इधर भी बहुत अंक तक गया है, इधर भी ज़्यादा अंक तक गया है, तो ये हो गया जेट। अब इसके बाद हम आपको इस नंबर लाइन पर दिखावें, यहाँ नंबर लाइन पर हम मालियन दिखा रहे हैं, इसको नंबर लाइन पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ फर्ज कर लिए कि -4 है, ये माइनस, यहाँ पहले हम 0 लिख देंगे, ये संख्या ये बताता है 0 के बाएं
माइनस जीरो का दाहिने प्लस, तो यहाँ माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जरा जीरो को और यहाँ नज़दीक कर दें, यहाँ पर लिख दें यहाँ पर जीरो, उसके बाद लिखेंगे वन टू थ्री फोर, ये लिखते जाते हैं यहाँ से जाते हैं। ये नंबर लाइन देखिए, सभी संख्याओं को जो वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। यह नंबर लाइन बनाने का उद्देश्य यही है कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो दशमलव में हो या फ्रैक्शन में हो या रूट में हो, ये सारी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ये हो, यहाँ आपको केवल इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहा है, जीरो और रन के बीच में जो जगह है उसमें क्या कौन सी संख्या भरे हम, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको क्या भरे। अगर जीरो वन के बीच में अगर चार भाग करना हो तो एक भाग एक बटे चार हो जाएगा, एक बटे चार कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ एक बटे चार है, इसको इसलिए इसको और बढ़ाया गया, इस नंबर लाइन को जो है इसको और बढ़ाया गया, और क्या बढ़ाया गया, रेशनल नंबर। यहीं से रेशनल नंबर की शुरुआत हुई, अब तक तो इंटीजर था, होल नंबर था, रेशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, रेशनल नंबर की आवश्यकता इसलिए पड़ी नंबर लाइन बनाने में बीच के जो भाग है उसको कैसे भरा जाए। इसके लिए क्यू या क्यू अगर लिखा रहे तो ये आप समझिए कि ये क्यू जो है ये रेशनल नंबर है, क्यू रेशनल नंबर। नंबर ऑफ ये जेड जो है वो निगेटिव पॉजिटिव ये सब है, होल नंबर्स ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, क्यू जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में, यहाँ डिवाइड है ना जीरो से वन के बीच, उन्होंने बताया वन टू फोर में तमाम जितने बचा है, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, वन बाई ट्वेल्व, जितने भाग में चाहे डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे, वही के लिए पी बाई क्यू आया, पी बाई क्यू। अब देखिए पी बाई क्यू, पी एंड क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी बाई क्यू के रूप में लिखें, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो कहा गया, जीरो से डिवाइड करना ये डिफाइंड नहीं है, किसी भी संख्या में हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जीरो से डिवाइड वन बाई जीरो कहें, वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो जो डिफाइन ही नहीं है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे ले आ सकते हैं, ये डिफाइन नहीं है, तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। पी कब, तो पी बाई क्यू ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब प्रश्न ये लिखा कि टू है तो टू को हम क्यों हम माने कि ये रेशनल नंबर है, क्यों माने, इसलिए माने कि टू को टू बाई वन लिख सकते हैं, थ्री को थ्री बाई वन लिख सकते हैं, माइनस थ्री को माइनस थ्री बाई वन लिखते हैं, ये लिख सकते हैं। इसलिए जो ये इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर हैं। अब देखिए उसके बाद जीरो के बारे में कहा गया कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जीरो के बारे में ये कहा गया कि चूंकि जीरो को भी जीरो बाई वन लिख सकते हैं, जीरो बाई टू लिख सकते हैं, ये भी p बाई क्यू के रूप में, जो p बाई क्यू क्या है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ q जीरो नहीं है, जीरो बाई वन बराबर जीरो, जीरो बाई टू बराबर जीरो, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया कि यह भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और यह भी रेशनल नंबर है, और साथ में जो फ्रैक्शन आया वो भी रेशनल नंबर है, तो क्यू जो है वो रेशनल नंबर है।
अब आपको इधर रेशनल नंबर, इसके बाद वाले चैप्टर में है, रेशनल नंबर पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये वन पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू, तो ये पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कहेंगे ये कि जीरो इज ए रेशनल नंबर, पूछ रहा है कि ये जीरो इज, आप कह देंगे यस। दूसरा इसका सेकेंड पार्ट ये है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, सब पी बाई क्यू के रूप में है ये, तो जीरो को ये लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं ठीक कि दो रेशनल के बन बीच में, जैसे एक और दो के बीच में अनंत संख्या है, बहुत संख्या एक और दो के बीच में भी है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में भी तमाम संख्या है। ऐसा नहीं है कि जीरो और वन के बीच में हम चार भाग में बांट बताए, उसको एक लाख भाग में कर सकते हैं, दस बीस करोड़ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे निकाला जाएगा, यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, तीन और चार के बीच में कितने छः रेशनल नंबर लिखना है, तीन है और फोर के बीच में सिक्स, सिक्स लिखना है, तो सिक्स लिखना है तो सिक्स में एक और जोड़ दीजिए सात, सेवन हो गया। अब थ्री को ऐसा लिखिए सात से गुणा कर दीजिए, और इसमें भी सात से गुणा कर दीजिए, लेकिन मान नहीं ना, या तीन सत्य कई सम कर दें, मान नहीं बदलना चाहिए, वो रहे वास्तव में थ्री रहे, वास्तव में वो फोर रहे। तो किसी संख्या का मान, जैसे मान वन लिखना है, और वन को कई रूप में लिखना है, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, टू बाई टू लिख सकते हैं, थ्री बाई थ्री लिख सकते हैं, फोर बाई फोर, तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। उसी तरह से थ्री को हम सात से अगर गुणा करते हैं तो सात से भाग भी देना पड़ेगा, तो थ्री को क्या लिख सकते हैं, 21/7, 21/7 इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ देखिए फोर को क्या लिख सकते हैं, 28/7, 21/7, 28/7, इसके बीच में सिक्स को लिखना है, तो सिक्स लिखेंगे तो 21/7 है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये थ्री और फोर के बीच में इतने सिक्स दीज आर रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, जितने भी रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच में, जितने भी रेशनल आपको निकालना है उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ करके और उस संख्या में गुणा कीजिए, भाग भी दीजिए कि मान में अंतर न होने पावे, दूसरी संख्या में उसी तरह से गुणा भी कीजिए, भाग भी दीजिए, मान में अंतर न, इसीलिए मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ से इस तरह से 21/7 है तो 22/7, 23/7 ये लिख सकते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5, वो तो जो इंटीजर्स थे, पूर्णांक थे, उनके बारे में। अब यहाँ देखिए 3/5 एंड यहाँ लिखिए 4/5,
थ्री वाई, इसके बीच में पांच को लिखना है, पांच पांच से एक जोड़िए छ, तो छ से इसमें ऊपर नीचे गुणा करिए, अट्ठारह छ से गुणा करिए, अट्ठारह बटे तीस, छत्तीस अट्ठारह छ पच्चे तीस, और यहाँ का गुणा करिए चौबीस बटे तीस, ठीक है अट्ठारह बटे तीस, तो यहाँ लिखिए उन्नीस बटे तीस, बीस बटे तीस, इक्कीस बटे तीस, बाईस बटे तीस और तेईस बटे तीस, पाँच हो गया कि नहीं, कितना हो गया पाँच, पाँच हो गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अगर निकालना है तो छः से गुणा करिए, एक हमने बताया कि एक से अधिक से गुणा करिए, अब इसको तो क्या लिखेंगे, फाइव रेशनल, फाइव रेशनल नंबर साथ, फाइव रेशनल रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव आर नाइनटीन बाई थर्टी, थर्टी ट्वेंटी बाई थर्टी, ट्वेंटी वन बाई थर्टी, ट्वेंटी टू बाई थर्टी, ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी, दिस मे बी आल्सो रिटन, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर कर दें, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म तो वही रह जाएगा 19 बाई थर्टी, ये हो जाएगा जीरो जीरो करके 2 बाई थ्री, 10 से डिवाइड करें 10 टू द 20, 10 थ्री द 30, 2 बाई थ्री हो गया, ये डिवाइड करें 7 बाई 10, 3 7 द 21, 3 10 द 17, 7 बाई 10 हो गया, ये डिवाइड करें तो 11 बाई 15, और ये डिवाइड नहीं रहेगा 23 बाई 30, शॉर्टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में दीज फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 आर देयर, टाइम है भी, आज आपको जो भी बताया गया इनसे आधारित जो भी क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चन दूसरे दूसरे किताबों से भी आप लगाइए, कोई जरूरत नहीं केवल इसी किताब से लगाना, दूसरी किताब से लगाएं, लगाने कोई क्वेश्चन नौ सॉल्व में होता है उसको कमेंट बॉक्स में भेजें, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा, इसको देखते रहें, और अन्य बच्चों से भले वो किसी स्कूल के हैं किसी कॉलेज के हैं, अन्य बच्चों से कहिए कि शेयर करें, इसका लाभ उठावें, और अपने जो सुझाव या शिकायतें जो भी हों वो भेजते रहें, धन्यवाद।